नमस्कार, मैं शिवम वर्मा सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द फायर स्टडी पे। साथियों, आज का जो समाचार अभी आ रहा है इलाहाबाद से, अभी 31 तारीख का जो धरना 1 सितंबर तक धरना हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई लिखित तौर पर ज्ञापन नहीं मिला है छात्रों को। अभी भी छात्र वहाँ डटे हुए हैं और कुछ छात्र लखनऊ तक भी धरना दे रहे हैं। हमारे मित्र हैं वो सत्येंद्र वर्मा जी के द्वारा एक वीडियो मिला है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि उस वीडियो में देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तिरपाल पे बैठे हुए हैं और कैसी अपनी मांगों को बहुत शांतिपूर्वक, सिर्फ छात्र शांति प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं PNP पे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह जो कि चेयरपर्सन है BTC को लेके, तो देखिए चलिए हम आपको दिखाते हैं इलाहाबाद से 31 अगस्त का वीडियो, धरने का जो तीसरा दिन था वो कैसा रहा, चलिए देखते हैं वीडियो। जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा कि 31 तारीख को 31 अगस्त के दिन में छात्रों ने कितने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार के कानों में अभी जूं तक नहीं रेंगा है। सरकारी कर्मचारियों ने, सरकार के जो डॉक्टर प्रभात हैं इनके और BTC के लेके जो चेयरपर्सन सुत्ता सिंह हैं, इन लोगों ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया है कि BTC के जो तीसरा सेमेस्टर का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। अभी कोई तिथि जो है लिखित तौर पे नहीं दिया है सुत्ता सिंह ने, और चौथे सेमेस्टर का पेपर कब कराया जाएगा इसकी भी कोई जानकारी छात्रों को नहीं मिली है। चलिए हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं कि 31 अगस्त के रात में जो छात्र धरने पे बैठे थे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश प्रताप सिंह, IT सेल के प्रभारी राजवसु यादव और प्रदेश प्रवक्ता शिवेंद्र प्रताप सिंह तथा आगरा के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा जी हैं। तो चलिए देखते हैं 31 अगस्त की रात की वीडियो में छात्रों ने किस तरीके से अपनी मांग को रखा है। देखा आपने किस तरीके से छात्र जो है दिन और रात एक कर दिए हैं। दोस्तों, हमारे पास एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि छात्र कोई भी बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे लहजे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे छात्र हैं, योग्य छात्र हैं। जिस तरीके से सरकार का कल स्टेटमेंट आया योगी आदित्यनाथ का कि हमारे प्रदेश में योग्य छात्र की कमी है और हमारे पास वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट रहा ये, और मीडिया इस बात को बहुत कम ही बता रही है। इसलिए सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से हम जैसे लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि सरकार का बहुत ही गलत स्टेटमेंट रहा है छात्रों को लेके, विद्यार्थियों को लेके। जिस तरीके से सरकार ने कहा कि छात्र योग्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, छात्र पूरी तरीके से योग्य हैं। वो 3-3 परीक्षाओं को पास करके फिर जाके प्राइमरी के टीचर बनते हैं। दोस्तों, पहला स्टेज होता है BTC, वो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और BTC करके TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी एग्ज़ाम पास करते हैं। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है, बिना ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है वो शिक्षक भर्ती का, वो भी पास करके इसके बाद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ही अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ, ये न्यायोचित नहीं है। चलिए हम 31 अगस्त के शाम का आपको वीडियो एक दिखाते हैं, जिसमें छात्रों ने बहुत अच्छे से नारेबाजी किया और सरकार को नाकामयाब बताया है। चलिए देखते हैं हम वीडियो। जिंदाबाद जिंदाबाद।
परिणाम नहीं, भीख नहीं, परिणाम चाहिए, भीख नहीं, परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। बीएनपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीएनपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीएनपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टाइम टेबल घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, टाइम टेबल घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। बीएनपी ताकि आपने देखा कि छात्रों ने कितने ही अच्छे अंदाज में बात करके, कितने ही तार्किक बातें करके, कितने ही फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट और लॉजिक से भरे बात कर रहे हैं। छात्र बातों को अपने शांतिपूर्वक कह रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई शांति की, क्योंकि छात्र शांत हैं इसलिए उनको लग रहा है कि छात्र कुछ नहीं कर पाएंगे, छात्र एकता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग अपने घरों में अभी चैन की नींद ले रहे हैं वो लोग भी आके छात्रों की इस भीड़ में उनका साथ दें और अपने हक के लिए, राइट टू फाइट फॉर योर राइट, अपने हक के लिए लड़िए आप सब। मैं यही निवेदन करूंगा सभी छात्रों से, जो लोग अभी तक इस मुहिम में नहीं जुड़ पाए हैं बीटीसी छात्र एकता को लेके, 2015 के जो बीटीसी बैच वाले हैं, जो थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम के परीक्षा का जो संचालन करवाना चाहते हैं, वो लोग भी इस मुहिम में जुड़ें और लखनऊ तक भी अपनी मांग को योगी आदित्यनाथ से कहने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी मित्रों बीटीसी प्रशिक्षुओं के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सबकी आवाज़ इस मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज़ को और दूर तक पहुँचाया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि सत्येंद्र वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष आगरा की, जिनके माध्यम से मुझे वीडियो मिला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।